इस साल पुणे में चर्चा का विषय बना हुआ था यह शिव पार्वती विवाह का ड्रामा। यह विवाह सोहरा सबसे पहले आपने देखा होगा सदाशिव पेट में एक गणेश के पंडाल में। गणेश उत्सव में इसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली, बहुत लोगों ने जाकर देखा, बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उसके बाद इस शो का इन्विटेशन मिला सारसबाग के महालक्ष्मी के मंदिर में, वहाँ भी बहुत लोग आए, बहुत लोग पहुँचे। उसके बाद धीरे धीरे इस ग्रुप को इन्विटेशन मिलता गया और ये जो देख रहे हो ये है कातरज का तिरंगा चौक की तरफ जाते हुए बारात मैंने देख ली और मैंने वीडियो शूट करना चालू कर दिया। अब जब जानते हैं कि बारात कैसी थी और किस तरह शिवजी दूल्हा बने थे। श्री रामचरितमानस बालकांड में शिवजी के विवाह का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि शिवजी का विवाह वैदिक रीति से हुआ था। शिवजी का विवाह तय होने के लिए सभी देवताओं के बड़े प्रसन्न हुए थे। जब महादेव दूल्हा बनकर तैयार हुए तो उनका स्वरूप सबसे निराला था। दूल्हे के रूप में शिवजी ने गले में सांप और तन में राख लिपटी हुई थी। शिवजी के गले में नरमुंड माला धारण की गई थी। एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में त्रिशूल शोभित था और शिवाजी बल पर सवार थे। कैसी थी बारात, चलो देखते हैं। बारात में भूत पिशाच नंदी से लेकर यक्ष गंधर्व अप्सराएं किन्नर आदि के साथ जानवर सांप बिच्छू भी शामिल थे। शिवजी के गलों में किसी का मुख था तो किसी को मुख नहीं थे, किसी के 10 मुख थे। इसी तरह बिना हाथ और बिना पैर कई हाथ वाले गण शिवजी के बारात में शामिल थे। बारात में शामिल सभी भूत पिशाच गण आज अपनी मौज मस्ती में आगे बढ़ रहे थे। सब बारात मुख्य द्वार पर पहुंची तब देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि ये बारात सबसे निराली थी। भूत पिशाच देव दानव पशु प्राणी सब लोग इस बारात में थे। ऐसा कहा जाता है कि शिवजी के बारात को देखकर वहां मौजूद महिलाएं भयभीत होकर वहां से भाग गई थी। यहां तक कि पार्वती माँ की इस रूप में देखकर हैरान हुई थी। पार्वती की जी माँ पिता उनके माताजी पिताजी सब रिलेटिव्स यह रूप देखकर हैरान हो गए थे। लेकिन माता पार्वती शिवजी के स्वरूप को पहले से जानती थी, उनसे विचलित नहीं हुई। नारद मुनि को सब कोस रहे थे कि ये कैसा वरदान दिया है, कैसी शादी हो रही है, इतना तप होने के बाद क्या हो रहा है। पर नारद मुनि ने सबको समझाया कि यह पहले से ही ठहरा हुआ था, ये लीला अद्भुत है, पहले ही शिव पार्वती का मिलन हो चुका था, ये तो सब लीला है, आप परेशान मत हुए। इस तरह शिव जी का विवाह हुआ। सब लोगों को स्वामी ने मतलब नारद मुनि ने समझाया। भगवान शिव सांसारिक मोहमाया से काफ़ी दूर थे। इसे सभी चीज़ों को देखते हुए हिमालय राज और देवी मैनावती इस विवाह के लिए राजी नहीं हुए। तब नारद जी ने शिवजी पार्वती का पुनर्जन्म की कथा पुनर्जन्म की कथा करके सबको सुनाई, उनके शक्ति का सबको अवगत कराया कि इनके पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। इसके बाद सब लोग विवाह के लिए मान गए। इस तरह शिव पार्वती का विवाह हुआ। तो आपको यह स्टोरी कैसे लगी आप ज़रूर बताएं, और ऐसा विवाह देखने के लिए मुझे बोलते रहे। यह विवाह आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।